असर का एक मतलब और भी होता है। असर का मतलब होता है असर का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है। उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं, मजदूर अपना काम खत्म करने लगते हैं, किसान अपना काम खत्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है कि अब सूरज डूबने वाला है, अब दिन खत्म होने वाला है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी भी तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐ इंसान, जब भी तू अपने बिस्तर पर रात को सोने जाए तो ये सोच करके सोया कर कि हो सकता है कि वो तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। जब तू सुबह को उठे तो ये सोच करके उठ कि हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह हो। तेरी जिंदगी की असर का टाइम शुरू हो चुका है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद यहां असर की नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। पांच टाइम की नमाजें, और पांच टाइम की नमाजों में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज बीच की नमाज है। दिन की पहली नमाज फजर है, उसके बाद जोहर है, और बीच में असर की नमाज है। दो नमाजें रात में, दो नमाजें दिन में, और बीच में असर की नमाज है। इसीलिए अल्लाह के नबी असर की नमाज को बड़ी अहमियत देते थे। अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फकअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल खराब हो गया, उसके अहलो आयाल बर्बाद हो गए, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। असर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के नबी कभी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे। जंगे खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई की वजह से अल्लाह के नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज छूट गई, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और अल्लाह के नबी को मगरिब के टाइम पर असर की नमाज पढ़नी पड़ी, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह के नबी ने काफिरों के ऊपर बद्दुआ की। आपने फरमाया मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को और उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज कजा हो गई, हमारी असर की नमाज छूट गई। तो असर की नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। जमाने की कसम, असर की नमाज की कसम, असर के टाइम की कसम। इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला क्या बात कह रहा है, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इंडिया का इंसान भी घाटे में, सऊदी अरब का इंसान भी घाटे में, अमेरिका का गोरा भी घाटे में, अफ्रीका का काला भी घाटे में। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें, सारे के सारे इंसानों के बारे में अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मुकेश अंबानी तो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, टाटा और अडानी और बिरला तो करोड़ों और खरबों के मालिक हैं, अय अल्लाह क्या वो भी खसारे में। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मेरे बंदो, घाटा ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे पास रहने को मकान है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे बाल बच्चे सुखी और चैन से हैं कि नहीं है। घाटा तो ये है, नुकसान तो ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब किया जाएगा तो तुम्हारा हिसाब ये निकले, तुम्हारा अंजाम ये निकले कि तुमको जहन्नम में डाल दिया जाए। ये असल घाटा है, ये असल खसारा है। इन्नल इंसान लफी खुसर, और सारे के सारे इंसान इसी घाटे में हैं। जिनके अंदर चार चीजें पाई जाएं उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। तो घाटा यह है कि इंसान कयामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए।
मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमज़ोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं, और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नारुकुम जुज़ुम मिनन मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है, 69 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वकूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल कयामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़ियानिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ास, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फ़ायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं, किसान ज़मीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, ज़मीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए। सोचो उस किसान को कितनी तकलीफ़ होगी। उसको इस बात की तकलीफ़, उसको इस बात की तकलीफ़ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया, उसको इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास तौहीद नहीं, कल कयामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज़्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हलु नब्बियुकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। मेरे बंदो, सबसे ज़्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उमरा भी किया होगा। बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे। बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते। उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उमरा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, हो सके तो हम सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रजी अल्लाह ताला नो। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफ़ी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है।
सौबान रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामत बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियाँ ले करके आएंगे, वो हज ले करके आएंगे, वो उमरा ले करके आएंगे, वो नमाज ले करके आएंगे, वो ज़कात ले करके आएंगे, वो सदका खैरात ले करके आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फयजअलुहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल्ला हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं होंगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जरा खुल करके बता दीजिए। अय अल्लाह के नबी सिर्फ हमलना वजल हिमलना, अय अल्लाह के नबी जरा क्लियर बता दीजिए वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या काउंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अय सौबान वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग होंगे, जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, तुम रोज़ा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे, तुम सदका करते हो वो भी सदका करेंगे, तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी रात में नमाज पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन ऐ सौबान बस एक बात की कमी होगी, एक बात की कोताही होगी, वो अकेले में वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। जब वो अकेले में होंगे, वो बंद कमरे में होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में और तन्हाई में बहुत सारे गलत काम करेंगे। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीजें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल के इस दौर में, स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की ज़रूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई कि उसकी नेकियां अल्लाह क्या बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी हाल में उनको नींद आ जाती है और बड़े फख्र से कहते हैं मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई, उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है, नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होश व हवास में नहीं होता है। इसीलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला क्या उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होश व हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई, सोचो मेरे भाइयों कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, कयामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैह, हर बंदा इस हाल में कयामत के दिन उठेगा जिस हाल में उसको मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था उसी हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कल कयामत
कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा जो गंदी फिल्में देख करके सोया था, वो गंदी फिल्में देख करके कयामत के दिन उठेगा। जो जिना करते हुए मर गया था वो जिना करते हुए कल कयामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैह, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाकया, वहां के कालिमुद्दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। चार नौजवान कार का सफर कर रहे थे, चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है, वहाँ की रोड बिहार और झारखंड से भी ज़्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो जाता है। चार नौजवानों में से तीन नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, एक नौजवान बच जाता है लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और एक ही जुबान से एक ही लफ्ज़ बार बार कह रहा है, फी सकर फी सकर फी सकर, अरे मैं तो सकर में हूँ, मैं तो सकर में हूँ, मैं तो सकर में हूँ। पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये सकर का नाम क्यों ले रहा है, ये सकर का क्या मतलब होता है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से पूछवाया कि ये नौजवान ये फी सकर कह करके दुनिया से गया, इसका क्या मतलब है। आलिम दीन ने कहा इसका मतलब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। आलिमे दीन ने कहा जाओ कुरान का 29वां पारा पढ़ दो। कुरान के 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और जन्नती लोग देखेंगे कि उनके जान पहचान के लोग जहन्नम में, जो उनके साथ बैठकर के चाय पीते थे, जो उनके साथ बैठकर के गप करते थे, आज वो जहन्नम के अंदर पहुंच गए। तो जन्नती सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ए मेरे भाई तू जहन्नम में कैसे चला गया, तू तो मेरे साथ उठा बैठा बैठा करता था, तू तो मेरे गाँव में रहता था, हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे, मा सलककुम फी सकर, तू जहन्नम के अंदर कैसे चला गया। तो वो जहन्नमी जवाब देगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हैया अलस्सला की आवाज आती थी, तुम तो मस्जिद चले जाते थे, मैं तो चाय की दुकान पर बैठा रह जाता था, तुम नमाज के लिए फजर के टाइम उठ जाया करते थे, मैं तो रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग में लगा रहता था, मैं फजर की नमाज में नहीं उठता था। मा सलककुम फी सकर, वो सवाल करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए, वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हम शादी में लाखों का खाना फ्री में हम बर्बाद कर देते थे, बेहतरीन खाना बनवाते थे और जितना खाने वाले खाना खाते थे उससे ज़्यादा कूड़ेदान में फेंका जाता था, लेकिन गांव में गरीबों को खाना देने की तौफीक न होती थी, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम अपना पैसा कभी गरीबों पर खर्च नहीं करते थे। वकुन्ना नकूज़ु मअल खाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे, हम अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, हम रसूल का मजाक उड़ाते थे, हम कुरान का मजाक उड़ाते थे, हम उलमा का मजाक उड़ाते थे, हम मदरसों का मजाक उड़ाते थे, हम दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। वकुन्ना नकूज़ु मअल खाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। उस सऊदी अरब के आलिम दीन ने कहा कुरान की ये आयत बता रही है कि वो नौजवान जब मर रहा था आखिरी सांसें ले रहा था, मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका था और उसको वो मंजर दिखाई दे रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि आज वो जहन्नम की आग में जाने वाला है, इसीलिए उसकी जुबान से बार बार सकर का लफ्ज आ रहा था, वो अनाफी सकर कह रहा था, वो ये बता रहा था कि वो बेनमाजी था, वो ये बता रहा था कि वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान था। इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में हैं।